हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे होली की। भारतवर्ष में पर्व त्योहारों की समृद्ध परंपरा रही है। आस्था श्रद्धा के साथ साथ उल्लास हमारे पर्व त्योहारों की विशेषता रही है, लेकिन जो आनंद और उल्लास होली पर देखने को मिलता है वैसा शायद ही किसी दूसरे त्योहार पर देखने को मिलता है। रंग और अबीर गुलाल से धरती से आकाश तक रंगीन हो जाता है। परस्पर शत्रुता भुलाकर लोग एक दूसरे से बड़े प्यार और स्नेह से मिलते हैं। घर घर पकवान बनाए जाते हैं और इन सब से ऊपर होली के मस्ती भरे गीत वातावरण में और रस घोल देते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार होली का उमंग भरा त्योहार किस तारीख को मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि होली से एक दिन पहले यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है और उसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होली का रंगारंग त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। दरअसल इस वर्ष दिनांक 6 मार्च दिन सोमवार को होलिका दहन और दिनांक 8 मार्च दिन बुधवार को होली है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस वर्ष ऐसा संयोग क्यों उपस्थित हो रहा है। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन का विधान है, लेकिन इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा दिनांक 6 मार्च दिन सोमवार को दिन में 3:56 से ही शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 7 मार्च दिन मंगलवार को सूर्यास्त से पहले ही सायं 5:40 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में 7 मार्च को प्रदोष काल में पूर्णिमा व्याप्त नहीं है, इसलिए एक दिन पहले ही यानी 6 मार्च को प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा होने के कारण भद्रा बीतने के बाद रात 4:48 के पश्चात होलिका दहन होगा और पूरे भारत में दिनांक 8 मार्च दिन बुधवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाएगी। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।